श्रीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और निजी क्षेत्र कई तरह की कवायद कर रहे हैं। इसी दिशा में श्रीनगर की विश्व प्रसिद्ध डल झील में बोट रेस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसकी मदद से कश्मीर घाटी में पर्यटन के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स और खेलों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इनकी मदद से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। इसका फायदा ये होगा कि कश्मीर के लोगों को दूसरे शहर या प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें यहीं रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके आयोजकों ने बोट रेस से होने वाले फायदों के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर के बच्चों का गढ़ है। जम्मू कश्मीर के बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो अपनी वैली के लिए बहुत चिंतित होते हैं और बड़ा काम करते हैं। आर्यंस के जम्मू कश्मीर के बच्चे पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं और इस बार आज हमने डल गेट पे आर्यंस की चौथी शिकारा रेस करी है, जिसमें लगभग 30-40 बोट्स की रेसिंग करवाई है। ये चौथी बार कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे आर्यंस के जम्मू कश्मीर में टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं और ये वाइट ग्लोब के साथ मिलकर इवेंट करवाया गया और अभी जल्दी ही हम आर्यंस की तरफ से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी हमने फाइलिंग करी है, क्योंकि टूरिज्म को लेके अगर स्विट्जरलैंड कहते हैं कि स्वर्ग है तो बस यही है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत शांति है, बड़ा अच्छा माहौल और हर जगह से टूरिस्ट आ रहा है। तो ये बेसिकली आर्यंस के बच्चे ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए किया है। ऑलरेडी हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए हमने कर लिया है फाइलिंग। हम जो पहला पुराना रिकॉर्ड है उसको जल्द तोड़ने जा रहे हैं और वैसे भी अभी सीजन स्टार्ट हो गया टूरिज्म का, तो हमारे बच्चे उन्होंने ना सिर्फ ये रेस करवाई है, इससे पहले सोलर बोट आर्यंस के बच्चों ने बनाई है यहाँ पर डल लेक पे और साथ में शिकारा ऐप, जैसे उबर ओला ऐप है वैसे ही शिकारा ऐप भी बनाया है। तो जम्मू कश्मीर के बच्चे अपने वैली के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पे एक बोट रेस ऑर्गेनाइज की है। ये हमारी फोर्थ बोट रेस है जो वाइट ग्लोब और आर्यन कॉलेज ने मिलकर ऑर्गेनाइज की है, जिसका मकसद पहले तो टूरिज्म को बूस्ट करना है। जो हमारे स्टूडेंट्स जो बाहर जाते हैं यहाँ से, वो कश्मीर का नाम रोशन करते हैं, हर जगह पे पहुंचते हैं और आर्यन बोट रेस से हमारा ये फायदा होता है कि यहाँ के लोग बाहर जाके इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और सबसे बड़ी बात जो हमारे बोटमैन है, यहाँ के लोकल बोटमैन है, उनको हम रोजगार भी प्रोवाइड करते हैं। इस कॉम्पिटिशन में उनका हौसला भी बढ़ता है और इस वजह से यही हमारा एक मकसद है कि टूरिज्म और यहाँ के लोकल बोटमैन को हम प्रमोट करें ताकि सारी दुनिया उनको देखे और यहाँ आके टूरिज्म भी बढ़े और इनका रोजगार भी बढ़े। माशाल्लाह पिछले चारों बोट रेस से हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है लोगों का। हमेशा हम हमसे कॉपरेट करते हैं और इंशाल्लाह नवंबर में हम फिफ्थ बोट रेस करेंगे, जिसमें ज्यादा प्राइस भी होगा और ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इस बोट रेस में हिस्सा लेने आए प्रतिभागियों ने बताया कि बोट रेस की मदद से यहाँ पर पर्यटन के साथ साथ रोजगार भी बढ़ रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आर्यन ग्रुप हमारे लिए यह कुछ कर रहा है कि हमारे ऑब्जर्वेशन ताकत एनर्जी हो रही बोट के साथ हर साल हो रही है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आदमी, तो बहुत बहुत अच्छी लगती है। इससे टूरिज्म बढ़ता है? हाँ, बहुत बढ़ता है। यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत सारे आते हैं, हर साल टूरिज्म बढ़ता है यहाँ का। आपको भी रोजगार मिलता है? हाँ, हर साल मिलता है, थोड़ा थोड़ा आता है, बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। हाँ, ऐसी रेस बहुत सी होनी चाहिए, ये बोटिंग की नहीं, और भी रेस होनी चाहिए, रनिंग होनी चाहिए, स्विमिंग होनी चाहिए, बहुत सी रेस होनी चाहिए। क्या क्या डल का भी कुछ इसमें ये पार्टिसिपेट मिलने को। ये अस्सलाम वालेकुम, ये अच्छा होना चाहिए, इधर रेस होना चाहिए, इसके लिए टूरिज्म भी बढ़ जाता है, लोग भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है गेम खेलने के लिए, चाहे वाटर स्पोर्ट्स हो, कोई भी गेम हो, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जब हमने भी आज सेकंड पोजीशन लाया, कुछ हासिल किया, ऐसे इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं, बाकी लोगों को भी, दोस्त लोगों को भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ऐसे टूरिज्म भी बढ़ जाता है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है। कोई बोलता है इधर से कुछ अस्तरा पसरे होता है, लेकिन वो भी देखता है इधर गेम होता है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे रोजगार भी चलेगा, सब भी इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है ना गेम खेलने में, हर कोई चलता है। जब कुछ विनर भी होगा, कोई खेलेगा भी, जीतेगा भी, कुछ हासिल करेगा कश्मीर के लिए, डल झील के लिए, वो भी तरक्की करेगा आगे होके। ये होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। ऐसे हमने भी इंटरेस्ट लगाया खेलने के लिए, हम भी सुबह आया, वेट किया इधर गेम खेलने के लिए, आज इंशाल्लाह कोशिश किया, आज सेकंड पोजीशन लाया, अगले साल फर्स्ट पोजीशन भी ला सकता है, हम कोशिश करेगा हमारे सब लोग, ये अच्छी बात है। टूरिस्ट भी आना चाहिए, अच्छी फख्र होना चाहिए कश्मीरी के लिए, इधर टूरिज्म भी आएगा, लोगों की रोजगार भी चलेगा, ऐसे होना चाहिए। इस बोट रेस की मदद से घाटी में होने वाले खेलों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और आने वाले सालों में कश्मीर को
इन खेलों के लिए तैयार किए जाने की भी उम्मीद है।